नमस्कार, मैं रुपेश और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल मैथ्स एजुकेशन पर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कंप्यूटर जीके यानी कि इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस से पूछे जाने वाले 50 प्रश्न। सबसे पहले हम देखेंगे कंप्यूटर की इनपुट और आउटपुट प्रश्न, जो ऐसे प्रश्न है जो आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, जैसे आपके बैंक में, PSC में, व्यापम में, पुलिस जैसे भर्ती परीक्षाओं के एग्जाम में बार बार पूछा गया है। और ये कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस से टोटल MCQ करेंगे 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये वीडियो आप सभी के लिए ये रहा कि 10 दिनों को क्रैश कोर्स शाम 8:30 से 9:30 तक। ये बिल्कुल नए अपडेटेड क्लास है जो बिल्कुल एकदम निःशुल्क फ्री है। पहली बार आए तो चैनल को क्या करोगे, सब्सक्राइब कर लेना और लाइक करके अवश्य जाना और वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस से पूछे जाने वाले प्रश्न। तो सबसे पहले आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि कंप्यूटर में देखिए आपका ये इनपुट डिवाइस, तो इनपुट डिवाइस कौन कौन सा है आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सा है, इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है, या फिर इसमें कौन सा आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ से MCQ करेंगे। MCQ करने से पहले आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस होता क्या है और कैसे कैसे एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। अगर आपको यहाँ से क्लियर समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को क्वालिटी को HD कर सकते हैं। ठीक है, अगर अच्छे से चेहरा देखना चाहते हैं तो, वरना कोई दिक्कत नहीं है, आप क्लास कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले देखें कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है? इनपुट डिवाइस है। ये क्या है? इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक, स्कैनर, वेबकैम, ये सभी इनपुट डिवाइस है। आप सभी के लिए इतना मेहनत से हम क्लास लेकर आते हैं, है ना, तो हमारे मेहनत को जाया ना करते, वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। और हाँ, 10 दिनों के लिए बिल्कुल फ्री है, इसके बाद निःशुल्क नहीं रहेगा। ठीक है, पैसा लिया जाएगा। तो छात्रों से शिक्षक की जो एग्जाम है बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा अगस्त में। चाहे कोई भी परीक्षक तरीका रहे, जैसे आप प्रयोगशाला परिचालक हो, शिक्षक भर्ती हो, जो भी एग्जाम हो, अगर तैयारी कर रहे हैं, चपरासी का क्यों ना हो, डेली अगर आप MCQ करेंगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। 10 दिनों को बिल्कुल फ्री क्रैश कोर्स है। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको देखने को मिले। सेकंड नंबर ट्रैक बॉल, तीसरा जॉयस्टिक, चौथा स्कैनर, पांचवा वेबकैम, छठवा माइक्रोफोन। इसका PDF आपको मिल जाएगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में। टच स्क्रीन, लाइट पेन, इसके बाद स्पीच रिकॉग्निशन, कीम बैट ट्रैक, OMR शीट यानी कि ऑप्टिकल मॉर्फ रिकॉग्निशन, बारकोड रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर और मैग्नेटिक इंक पंच कार्ड रीडर और गेम पैड, ये सभी आपके इनपुट डिवाइस है। ठीक है, इनको छोड़कर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर एक भी क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन छूट जाता है तो मैं इसकी गारंटी नहीं लूंगा। जितना मैं टॉपिक आपको करा रहा हूँ उतना क्वेश्चन आप करके जाइएगा। ठीक, अब मैं बात करूँ आउटपुट, तो आउटपुट आउटपुट में आप याद रखना, इसमें दो रीडर है, एक कार्ड रीडर बोलते हैं, कार्ड रीडर ये आपका आउटपुट है और एक आपका है टेप रीडर, ये आपका आउटपुट डिवाइस है। इन दोनों को याद रखना, इन सभी में आपका रीडर रीडर से क्वेश्चन रहेगा, लेकिन इन दोनों में से ये कार्ड आपको दिखेगा, कार्ड रीडर, टेप रीडर आपको कहीं दिखा नहीं दिखा, ये आपके आउटपुट डिवाइस है। अब यहाँ पर देखेंगे आउटपुट कौन कौन सा है, तो स्पीकर, हेडफोन, मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, यहाँ पर देख रहे हैं कार्ड रीडर आपको दिखा, ये आउटपुट डिवाइस है। स्क्रीन, इमेज, प्रोजेक्टर और वीडियो, ये सभी कार्ड रीडर है। एक और छूट गया यहाँ पर, टेप रीडर, तो इसको याद कर लीजिएगा, टेप रीडर ये आपका क्या है, आउटपुट डिवाइस है। अगर यहाँ से भी क्वेश्चन छूट गया ना तो एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर के इनपुट और आउटपुट डिवाइस से क्वेश्चन। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एंड इनपुट डिवाइस, यानी कि कहता है कि इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है, तो कौन कौन सा है, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, या इनमें से कोई नहीं है, इनमें से सभी। तो सभी क्या आएगा, इसका आंसर बिल्कुल डी होगा, क्योंकि माउस क्या इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट है और स्कैनर क्या है, इनपुट डिवाइस है। अगर यहीं पर आउटपुट डिवाइस पूछ लिया जाता, आउटपुट डिवाइस पूछ लिया जाता तो आप कहते कार्ड रीडर, टेप रीडर, टेप रीडर, प्रिंटर, प्लाटर, है ना, ये सभी आपके स्पीकर, ये आउटपुट डिवाइस है। बिल्कुल क्लियर आ रहा है क्या, समझ में आ रही है कि नहीं, एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा। हाँ, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक अवश्य करेंगे। ठीक है, चलिए मेरी बातों को ध्यान ना दीजिएगा, कंप्यूटर में क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही बेसिक से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, फिर कंप्यूटर के सामान्य ज्ञान क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद है, जो कुछ कंप्यूटर में टाइप, सबमिट, ट्रांसमिट किया जाता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं जी,
जो कुछ भी टाइप हम करते हैं इसको इनपुट डिवाइस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनपुट डिवाइस कहा जाता है, इनपुट। ठीक है, क्या पूछा गया? जो हम टाइप कर रहे हैं, सबमिट करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, उनको क्या कहा जाता है? इनपुट डिवाइस कहा जाता है। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आया तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। ठीक, हमारी मेहनत हो जाए ना करते, हम आप सभी के लिए घंटों घंटे मेहनत करके तैयार करते हैं क्वेश्चन। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में संभवतः एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। सीजी व्यापक जो भी कंप्यूटर है उसमें हम टाइप करेंगे, सबमिट करेंगे, ट्रांसमिट करेंगे, तो उसको इनपुट कहते हैं। एक्टिव ही कंप्यूटर प्रणाली में होता है। तो कंप्यूटर प्रणाली में क्या होता है? केवल इनपुट डिवाइस, केवल दो इनपुट डिवाइस, इनमें से कोई नहीं है, बहुत सारे इनपुट डिवाइस। चलिए इसका आंसर क्या होगा? तो बहुत सारे इनपुट डिवाइस होते हैं, एक ही एक दी हुई कंप्यूटर प्रणाली में बहुत सारा इनपुट डिवाइस होता है। इसका आंसर डी होगा। इंफॉर्मेशन और कमांड कैप्चर करने के लिए किस इंटरप्रेट का प्रयोग किया जाता है? आउटपुट, इनपुट, स्टोरेज या टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस। हाँ, वीडियो को देखना ना भूले और अंत तक वीडियो को देखना, लास्ट तक देख के जाना। ऐसे एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप एक बार क्लियर कर लेते हैं, वीडियो को एक बार रिवीजन कर लेते हैं, तो दोबारा आप इसको प्रैक्टिस करके देखना, आसानी से क्वेश्चन बनने लगेगा। ठीक, क्या बनेगा? आसानी से क्वेश्चन बनने लगेगा। ऐसे डेली मैं आप सभी के लिए 100-100 एमसीक्यू लेकर आऊंगा, 100-100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है सभी, इसका क्या है अगर कमेंट करके बताएंगे। ए माउस ट्रैक बॉल एंड जॉयस्टिक आर एग्जांपल ऑफ, यानी कि माउस ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक किसके उदाहरण है? ये सभी पॉइंटिंग डिवाइस के उदाहरण है। किसके? पॉइंटिंग डिवाइस के उदाहरण है। जॉयस्टिक क्या है? जॉयस्टिक एक पॉइंटिंग डिवाइस है और एक आउटपुट डिवाइस है। क्या जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, जॉयस्टिक क्या है? इनपुट डिवाइस है। इसका आंसर ए होगा। इनपुट डिवाइस का उदाहरण क्या क्या है? इनपुट डिवाइस देखिए, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, ये सभी इसके इनपुट डिवाइस है। ट्रैक बॉल क्या है? ट्रैक बॉल अभी आपको बोलता पॉइंटिंग डिवाइस। ठीक, टच पैड इज ए गुड अल्टरनेटिव टू द माउस, इज ए एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि माउस एक अच्छा विकल्प, टच पैड का उदाहरण कौन सा है? टच पैड। तो टच पैड कौन सा है आपका? टच पैड किसके लिए है? पॉइंटिंग डिवाइस के लिए, सॉफ्टवेयर के लिए। तो किसका आ जाएगा? नवा का आंसर कैसे का आ जाएगा? नवा का पॉइंटिंग डिवाइस। ठीक, आंसर सी होगा। टच पैड को रिस्पॉन्स करता है, क्या करता है? प्रेशर। टच पैड जो है आपको प्रेशर को रिस्पॉन्स करता है, ऑप्शन बी होगा। ठीक, निम्न में से कौन सा इनपुट यूनिट से नहीं जुड़ता? कौन सा है? कमेंट करके बताएं कि ऑप्शन ए, बी, सी, डी या इनमें से कोई नहीं। क्या पूछा है? इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस यूनिट से नहीं जुड़ता? क्या आएगा? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि इसमें बाइनरी जो डाटा होता है मानव द्वारा पढ़े जाने वाले के रूप में बदलता है, जिसके प्रयोगता समझ सके। तो इसका आंसर सी होगा। निम्न में से किसका प्रयोग ऑब्जेक्टिव में आंसर शीट को सुधारने के लिए किया जाता है? इसके लिए मैग्नेटिक या ओसीआर? यहां पर देखेंगे ओसीआर, इसका आंसर भी होगा। और ओसीआर का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसका आंसर डी हो, इसका आंसर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन आंसर ए होगा। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक, यानी कि कैसे है बार कोड, बार कोड। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ये ऑप्टिकल किसका एक उदाहरण है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर ये आपका इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। निम्नलिखित में कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो कैसे इसको याद रखोगे? नहीं वाला तो गोला लगा लो पहले, नहीं वाला। अब पूछा गया इनपुट डिवाइस क्या है, अब मालूम है आपको इनपुट डिवाइस कौन कौन सा है? तो माउस है, कीबोर्ड है ना। अब यहाँ पर दिया गया है फ्लॉपी ड्राइव और माउस और माइक्रो प्रोसेसर, इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा इसका आंसर? तो इनमें से आउटपुट डिवाइस कौन सा है आपका? माइक्रो प्रोसेसर, ये आपका आउटपुट है। ठीक है, तो ये दोनों ही तो है इनपुट। पूछा क्या गया? नहीं है, माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर का कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? आपको मालूम है स्कैनर क्या इनपुट डिवाइस है, माउस इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर क्या है? आउटपुट है। प्रिंटर क्या है? आउटपुट। आउटपुट है, क्या है? आउटपुट है।
ठीक है, फिल्टर क्या है, आउटपुट है, ठीक है। निम्न में से कौन सा डिजिटल इनपुट उपकरण है, इनपुट पूछे गए हैं, तो कौन सा स्कैनर क्या है, इनपुट है, तो ये सभी उपयुक्त टी, इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये सभी, क्योंकि डिजिटल कैमरा माइक्रोफोन एक इनपुट है। कीबोर्ड, स्कैनर और माइक्रोफोन के उदाहरण हैं, कौन सा उदाहरण है, इनपुट डिवाइस। निम्नलिखित कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, इसको गोला लगाओ, इनपुट डिवाइस है, पढ़ लो कौन कौन सा है, ये देखो माउस क्या है, इनपुट डिवाइस, लाइट पेन इनपुट डिवाइस, वीडियो क्या है, आउटपुट डिवाइस है, नहीं है, आंसर डी। विच ऑफ द फ्लोइंग इज इनपुट डिवाइस, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है, चलिए बताइए इसका आंसर, बी माउस थ्री, ठीक। इसके बाद देखेंगे वो लाइट पेन क्या है, लाइट पेन क्या है, चलिए बताइएगा लाइट पेन, एक इनपुट डिवाइस है। कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं, तो कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं, कमेंट करके बताएंगे, कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं। इनपुट कहते हैं। निम्नलिखित में से किस समूह केवल इनपुट डिवाइस है, अगर आपको याद है इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस क्लियर हो जाएगा, माउस कीबोर्ड स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, बाकी सभी आउटपुट है। निम्नलिखित में से किस तरह के वर्ग में कीबोर्ड शामिल है, तो कौन से तरह का वर्ग शामिल है, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से विकल्प चुनिए, बाहरी हार्ड ड्राइव बोर्ड डिजिटल कैमरा कंपैक्ट क्या है, जल्दी बताएंगे, चलिए कमेंट करके बताएंगे जल्दी से, कमेंट करके बताएं जल्दी से। अट्ठाईसवा का देखो आंसर, 28 का, कीबोर्ड किस प्रकार का है, कीबोर्ड किस प्रकार का है, कीबोर्ड किस प्रकार का है, इसका कीबोर्ड आएगा, कीबोर्ड किस प्रकार का है, ए बी और दोनों, सीरियल और पैरेलल, ठीक। एक कीबोर्ड इज यूज, कीबोर्ड का प्रयोग कब किया जाता है, कीबोर्ड का कंप्यूटर खोलने के लिए। निम्न में से कौन सा आउटपुट युक्ति नहीं है, कौन सा आउटपुट युक्ति नहीं है, डिजिटल कैमरा आउटपुट क्या होता है, आउटपुट जो प्रोसेसर यूजर लेता है, या जो यूजर प्रोसेसर को, जो प्रोसेसर यूजर को, ये प्रोसेसर यूजर को देता है, क्या आएगा, आउटपुट जो प्रोसेसर यूजर को देता है, इसका आंसर डी होगा, ठीक। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम क्या आएगा, सी आउटपुट। आज के लिए फिर इतना क्वेश्चन करें, 30 20 क्वेश्चन कल, और करके 50 क्वेश्चन पार्ट टू वीडियो में, तो पार्ट टू वीडियो का आप इंतजार कीजिएगा, वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। डेली रात 8:30 से 9:30 बजे कंप्यूटर की क्लास रहेगी, इनपुट और आउटपुट डिवाइस से, बाकी कंप्यूटर की क्लास 4 बजे से प्रारंभ किया जाता है। जो भी व्यापक जैसे परीक्षा में तैयारी करना चाहते हैं, हमारे चैनल पर जुड़े रहेंगे, वीडियो को अंत तक देखेंगे और प्रैक्टिस करके जाएंगे।